अक्सर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों के द्वारा की गई शिकायतें सामने आती रहती है, जिसमें यह हमेशा सुनने को मिलता है कि जब से हमारे घर में प्रीपेड मीटर को लगाया गया है तब से बहुत ज्यादा बिजली बिल आता है। इस तरह की कई शिकायतें उपभोक्ता के द्वारा लगातार की जा रही होती है, जिसे देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने इस तरह से जुड़ी समस्याओं से निजात के लिए भी प्लान बना लिया है। बता दें कि अब अगले महीने से उपभोक्ता को यह मालूम होगा कि उनकी राशि की कटौती किस मद में की गई है। यह सभी बदलाव बिजली कंपनी की ओर से की गई शिकायत के बाद किया जा रहा है। बताते चले कि बदलाव के बाद उपभोक्ताओं की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस के द्वारा बताया गया है कि इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए बहुत जल्द ही नई सुविधाएं शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। इसके साथ ही बिजली कंपनी अपने सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की टीम ने ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर पटना आकर एक एक चीज को समझा और जानकारी हासिल की है। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनी के आला अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी शिकायतों को लेकर बिजली कंपनी के CMD ने ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी को बिंदुवार पत्र लिखा गया था। बता दें कि पत्र के आधार पर ही ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले एजेंसी को निर्देश दिया गया, जिसके बाद एजेंसी EESL के लोग पटना आए। केंद्र सरकार की इस एजेंसी के लोगों ने इस बारे में बिजली कंपनी के आला अधिकारियों से सारी जानकारी हासिल की और फिर अपने काम को आरंभ किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि यहां के लोगों की सबसे ज्यादा यही शिकायतें थी कि जिस राशि से रिचार्ज किया जाता है उसका बैलेंस काफी तेजी से कट जाता है। इससे पहले जो मीटर लगाया गया था उससे बिजली बिल की राशि इतनी अधिक नहीं होती थी। इन सभी शिकायतों के बाद ही अब सॉफ्टवेयर में इस तरह की व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए की जा रही है। अब उपभोक्ता जिस राशि से अपना प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करवाएंगे उस राशि के खत्म होने पर यह बताया जाएगा कि बिजली जितनी यूनिट खपत की गई है उसकी राशि क्या है और फिर अन्य किस्म के चार्ज की कटौती के तहत कितनी राशि काटी गई है। वहीं इसके साथ ही अगर किसी उपभोक्ता के पास से यह शिकायत आती है कि उसकी मीटर तेज गति से चल रही है तो उसके मीटर की भी जांच की जाएगी। इसी तरह की एक और शिकायत उपभोक्ता के द्वारा की जा रही है कि घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद मोबाइल मैसेज में जो वेलकम मैसेज आता है उसमें भी काफी देरी हो रही है। यह शिकायत भी अगले महीने से खत्म हो जाएगी। बताते चलें कि बिजली कंपनी के द्वारा अपने स्तर से पूरी तरह से व्यवस्था करने में लगी हुई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की शिकायत एक ऐप के माध्यम से दूर किया जा सकेगा और इसके लिए जवाबदेही भी तय रहेंगे। इस बदलाव के साथ एक नियम भी बनाया गया है जिसमें अगर उपभोक्ता अपने लिमिट से ज्यादा बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें शुरुआत के 6 महीने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वे अपनी लिमिट से ज्यादा बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें अपने कनेक्शन के लोड को बढ़ाना होगा और इसके लिए उन्हें 6 महीने के अंदर ही आवेदन देना होगा। जैसे ही आवेदन बिजली कंपनी को मिलेगी उसके बाद उपभोक्ता के बिजली के कनेक्शन के लोड बढ़ा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।